होशंगाबाद में स्थित काशिव सर कोचिंग एकेडमी के संचालक ने 11वीं कक्षा की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही पीड़िता को धमकी भी दी कि घर में किसी को बताया तो वो उसकी मां का एक्सीडेंट करवा देगा। एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि पीड़िता कोचिंग एकेडमी में पढ़ने वाली छात्रा है। आरोपी शिक्षक करीब एक साल से किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था, छात्रा को धमकी देता रहा और आरोपी पीड़िता से दुष्कर्म करते रहा। परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को सारा घटनाक्रम बताया। परिजन पीड़िता को लेकर अजाक थाने पहुंचे। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी नाबालिग बच्ची द्वारा, वो जिस कोचिंग एकेडमी में जाती थी हाउसिंग बोर्ड पे कासिक कोचिंग स्ट्रीट, उनके संचालक द्वारा उसके साथ लगातार जनवरी माह से दैनिक शोषण किया जा रहा था, जिसकी कल रिपोर्ट उपरांत पीड़िता की FIR दर्ज की गई है और प्राथमिक तौर पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें धारा 376 पॉक्सो और SC/ST के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कोई धमकी वगैरह देता था जी? उसके द्वारा उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और उसको डराया धमका जा रहा था, इसको भी प्राथमिक तौर पे दर्ज किया जाकर विवेचना की। मैम कितने माँ हुए थे लोग, क्या कैसे खुलासा हुआ मैम, कैसे पीड़िता आई, क्या बताया? पीड़िता थाने पे आई थी, उसके द्वारा बताया गया उसको जनवरी माह से इस तरह से लगातार परेशान किया जा रहा था और धमकी दी जा रही थी, जिसके कारण वो अभी तक आ नहीं पाई थी। जैसे ही वो थाने आई उसके द्वारा रिपोर्ट की गई, उस पर FIR दर्ज की गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कोचिंग संचालक काशिव के खिलाफ 376, 354 पास्को एक्ट व SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। होशंगाबाद से उपकार सिंह की रिपोर्ट।